हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे फ्रिज में है बल्ब सही होने के बाद भी जो है बल्ब नहीं जल रहा है। सो गाइस, वीडियो पे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा होता है डोर स्विच, जो हम जब गेट को हम बंद करते हैं तो ये प्रेस हो जाता है और जो जो लाइट है वो बंद हो जाता है। तो ऐसा होता है कभी कभार, क्या होता है कि जो डोर स्विच में प्रॉब्लम होता है। सो गाइस, मुझे डोर स्विच को खोल के बताएंगे कि कैसे वर्क करता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है बल्ब लगता है और बल्ब इसमें नहीं है। बल्ब हमने नया चेंज करके भी देख लिया लेकिन बल्ब नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले हम इसका जो डोर स्विच है उस पर हम काम करेंगे और देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो होता है इसके अंदर कोई पेच नहीं होता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये खुल जाए। ऐसा होता है कि इसके अंदर लॉक होते हैं और ये अंदर जाके फंस जाते हैं तो ये लॉक हो जाता है। तो आपको पेचकस की सहायता से जो लॉक है इसको हल्का सा अंदर की तरफ आप दबाएंगे तो ये खुल जाएगा। सो गाइस, हम आप देख रहे हैं कि हम इसको अंदर की तरफ थोड़ा प्रेस कर रहे हैं और थोड़ा सा टाइट होता है ये। आप कोशिश करेंगे तो ये खुल जाएगा। और ध्यान रहे कि ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, अगर नहीं तो इसके लॉक टूट जाएंगे तो फिर आपको ये चिपकाना ही पड़ेगा एल्फी वगैरह से। तो ये चीज़ आप ध्यान दें। और आप देख रहे हैं कि ये बाहर आ गया है। बाहर आने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो दो स्विच है इसके अंदर जा रहा है और ये जो प्रेस होता है तो ये समझ लीजिए कि जो सप्लाई है वो कट ऑफ कर देता है, मतलब स्विच का काम करता है। तो इसके ये जो थिम्बल होते हैं इसको हम खोल के देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ से सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर तो ये मोटे मोटे वायर हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्बन वगैरह नहीं है कि ये ख़राब हो। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सही है। आप इसको क्या नाम है, एक टोड़ा ले तार का और दोनों में इस पॉइंट को शॉर्ट करके इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि ख़राब है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। सो गाइस, मैं आपको एक बार और बता दूं, ये जो हमने वायर पकड़ा हुआ है ये दो वायर होते हैं। इन दो वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे, मतलब आपस में चिपका देंगे। अगर बल्ब आपका जल जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा ये स्विच ख़राब है। आप न्यू स्विच लगाएंगे तो ये आपका वर्क करने लगेगा। लेकिन हमारा यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट करके देख लिया लेकिन ये फिर भी जो है नहीं जला। तो समझ लीजिए कि ये हमारा स्विच जो है वो सही है, प्रॉब्लम जो है वो कहीं और से हो रहा है। सो गाइस, वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और ये देख रहे हैं कि ये जो फ्रीजर है, फ्रीजर को खोलने के लिए कभी भी एक छोटे से पेचकस की सहायता होता है, क्योंकि ये छोटे से ही पेचकस से ही ये फ्रीजर खुलता है। और ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं कि प्लस से खोलते हैं और बड़े पेचकस से खोलते हैं और गलती से पेचकस इधर उधर लग जाएगा तो आपका जो गैस है वो निकल जाएगा, क्योंकि फ्रीजर के अंदर गैस चल रहा होता है। और इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान दें। और आप देख रहे हैं कि हम इस पेच को खोल रहे हैं, जब ये एक पेच हमारा लेफ़्ट होता है और एक पेच होता है हमारा राइट होता है। जब ये पेच खुल जाएंगे दोनों, तब भी ये फ्रीजर जो है वो फ्रीजर का जो कवर है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि जो फ्रीजर के कवर के अंदर लॉक होते हैं। आपको क्या करना है कि जहाँ पे हमने ये पेचकस लगा लिया है, आपको एक हाथ उंगली वहाँ लगाना है और एक उंगली आपको लेफ़्ट साइड लगाना है और नीचे की तरफ प्रेस करना है। जैसे ही आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जो लॉक होते हैं, जो फ्रीजर में चिपक जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, वो वहाँ से फ्री हो जाएगा और ये नीचे निकल जाएगा, मतलब कि ये आराम से खुल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या सेटिंग होता है। पहली सेटिंग तो मैंने आपको बता दिया है कि आपस में तार शॉर्ट करेंगे तो ये जल जाएगा, लेकिन अगर तब भी नहीं जलता है तो आप दूसरी सेटिंग में बताने जा रहा हूँ। और मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ बताऊँगा आपको, जो सीक्रेट होता है जो सिर्फ मैकेनिक ही जानते हैं। सो गाइस, वीडियो पर बने रहें। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पैनल है ये खुल गया है और हमने आराम से खोल लिया है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया है। और ये जो हमारा स्विच थोड़ा सा लूज हो रहा है, ये इसका लॉक जो है वो ढीला हो गया है, तो इसको हम बाद में करके देखेंगे सेट करके। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा कवर है, कवर के नीचे जो है इतने सारे तार आ रहे हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये इतना वायर कहाँ जा रहा है। दो वायर जो होते हैं वो हमारे जाते हैं थर्मोस्टेट पे जाते हैं। थर्मोस्टेट मतलब जिस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। तो ये जो दो वायर होते हैं, हमने ये पकड़ रखा है, ये हमारे उसी के हैं, थर्मोस्टेट के हैं। और हमारा ये जो दूसरा वायर देख रहे हैं, दो लॉक लगे हुए हैं, वो हमारे बल्ब के होते हैं। सो गाइस, और ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है, दूसरी सेटिंग मैं आपको ये बता दूं कि ये जो थर्मोस्टेट होता है ये हमारा जो टेम्परेचर पे काम करता है, जो इसका सेंसर होता है ये फ्रीजर के नीचे लगता है, जिसके कारण
जो है टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाता है तो ये कट ऑफ हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि ये हमारा होल्डर यहाँ पे लगता है और होल्डर के अंदर आप देखेंगे झांक के तो ये जो देख रहे हैं कि ये क्या देख रहे हैं कि ये तो कार्बन आ रखा है इसके अंदर। आप इस कार्बन को नहीं देख पाते हैं और सोचते हैं यार ये तो फ्रिज का कुछ और ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फॉल्ट है, और टेक्नीशियन जो है आपसे अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। तो ये फ्री की चीज़ है, आप इसे एक पेचकस की सहायता से इसको आप रगड़ के देखेंगे तो ये जो है फ्री हो जाएगा और आपका बल्ब जो है जलने लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग कहीं घूमने चले जाते हैं तो फ्रिज वगैरह बंद कर देते हैं जिसके अंदर इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह आ जाता है और मॉइस्चर जो है वो कार्बन का रूप ले लेता है और जब हम फ्रिज को चालू करते हैं तो सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाता है। तो आप देख रहे हैं हमने ये पेचकस से थोड़ा सा रगड़ दिया है और ये कार्बन हमने इसका साफ़ कर दिया है। जब जैसे ही कार्बन साफ हो जाएगा आपको बल्ब लगाना है दोबारा से और वो चल जाएगा। और तो सो गाइस मैं आपको एक बार चेक करके भी बताऊँगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये जो दो वायर हमने पकड़ रहे हैं ये लॉक लगे हुए हैं, लॉक को हमें इस यहाँ से निकाल लेंगे और ये दो वायर होते हैं जो हमारे बल्ब पे जाते हैं। तो हम ये जो जैक लगा है इस जैक को निकालेंगे और जैक निकालने के बाद हम इसको चेक करके बताएंगे कि हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो मैंने आपको ये दो सेटिंग बता दिया है कि इसके अंदर जो है कार्बन वगैरह आ जाता है, और जो तीसरा जो जो सेटिंग है ऐसा होता है कि ये जो लॉक होते हैं ये लोकल लॉक में भी जंग वगैरह आ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि इस लॉक तक सप्लाई नहीं आ रहा होता है तो आपको क्या कहता है, आपको जैक को निकालना है, थोड़ा सफाई करके वापस से इसको लगा देंगे तो आपका बल्ब जल जाएगा। तो हमारी ये तीन सेटिंग होता है जो मैंने आपको बता दिया है। एक तो हमने स्विच को शॉर्ट करके बता दिया था, दूसरा आप देख रहे हैं कि जो कार्बन लगा था इसके अंदर वो हो गया, और जो तीसरा होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि वायर वगैरह यहाँ टूट जाते हैं तो इस वजह से भी होता है। तो आप देख रहे हैं हमने इसका जो जैक निकाल दिया है जो बल्ब पर सप्लाई जा रहा था दो तार की, तो उस दो तार को हमने होल्डर बल्ब में लगा दिया है और उसके बाद हम क्या नाम है इसको फ्रिज को चालू करेंगे और आप देख रहे हैं कि हमारा जो बल्ब है वो जल चुका है। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। और सो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलूँगा। और मैं ये भी बता दूँ कि जब जैसे एक एक्स्ट्रा सेटिंग मैं आपको और बता रहा हूँ कि आपका फ्रिज कभी भी अगर जैसे कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल ठंडा हुआ है आप उसे छू के देखेंगे तो फ्रिज जो है वो ठंडा रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो थर्मोस्टेट होता है ये दो वायर हम ये पकड़ रहे हैं इन दो वायर को आपस में शॉर्ट कर देना है। जैसे ही आप शॉर्ट कर देंगे तो कंप्रेसर को सप्लाई मिल जाएगा और जो कंप्रेसर है वो चलना शुरू हो जाता है। ये जो दो वायर होते हैं जो हमारा थर्मोस्टेट में जा रहा है, एक तो हमारा जो आसमानी कलर का है और ये हमारा स्लेटी कलर का है। तो ये जो दो वायर को आपस में आप शॉर्ट कर देंगे तो सप्लाई वहाँ तक पहुँच जाएगा और कंप्रेसर हमारा वर्क करने लगेगा। और जब कंप्रेसर जब हमारा वर्क करने लगे, वर्क मतलब वाइब्रेट होने लग जाए, तो उसके बाद आप देखेंगे कि कंडेंसर वगैरह जो फ्रिज के पीछे जाल वगैरह रहते हैं ये जो, और कहीं कहीं ये होता है कि जाल इसके अंदर इंटरनल होता है और आप उसको छू के देखेंगे तो गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब गैस है। और दूसरी चीज़ में एक और चीज़ बता दूँ सेटिंग, जैसे ही आप लगेगा यार फ्रिज में यार गैस ख़त्म हो गया तो आप देखेंगे फ्रिज के पीछे अगर कहीं भी कोई भी गीला हो रखा हो, कोई भी पाइप, समझ लीजिए कि गैस जो है आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो ये लास्ट सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। सो गाइस थैंक यू।